तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द ग्रीन आई गार्डनिंग में। दोस्तों ये देख सकते हैं मेरा एक ये बोगनवेलिया का प्लांट है और इसके ऊपर फ्लावरिंग स्टार्ट हो रही है, लेकिन इसकी फ्लावरिंग के ऊपर आप देख सकते हैं कि ये चिट्टियाँ लग रही है, और आपको दिखाई दे रहा होगा तो ध्यान से देखिए, ये मच्छर भी लग रहे हैं, चिट्टियाँ भी लग रही है। तो दोस्तों मैंने इसके ऊपर फंगीसाइड का स्प्रे किया था लेकिन कुछ असर किया नहीं, तो मैं अब इसके ऊपर आपको ऐसा रामबाण इलाज दिखाने जा रहा हूँ जिसके बाद अगर आपके किसी भी प्लांट के फ्लावरिंग के ऊपर अगर ऐसी चींटियाँ बैठ रही है या कुछ और मच्छर वगैरह लग रहे हैं या कीड़े मकोड़े लग रहे हैं, तो उसके लिए आपको एक स्प्रे करना है और ये सब गायब हो जाएंगे और आपका प्लांट हेल्दी बना रहेगा। तो दोस्तों ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये आपको ध्यान से देख लेना है दोस्तों। तो दोस्तों ये सेक तारा का 25% WG है, ये इंसेक्टिसाइड है, ये इसका आपको बहुत ही कम मात्रा 2 लीटर पानी में लेकर या फिर 0.5 लीटर 1 लीटर पानी में लेकर इसके ऊपर स्प्रे कर देना है, तो इससे ये सारे कीड़े मकोड़े मर जाएंगे और अगली बार इसके ऊपर लंबे समय तक बैठेंगे नहीं। तो दोस्तों मैं इसका स्प्रे करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों मेरे पास ये कुछ स्प्रे की इतनी बड़ी सी बोतल है, ये 1 से 1.5 लीटर की माजा की बोतल के ऊपर बना रखा मैंने ये, इसके अंदर इसकी बहुत ही कम मात्रा मिलाएंगे दोस्तों। ये इंसेक्टिसाइड है, ये किसी भी कीड़े तरह के कीड़े मकोड़े मारने के लिए काफ़ी होती है, तो दोस्तों इतनी कम मात्रा काफ़ी रहेगी, बस उसको मिला देना है दोस्तों, ये पूरा इसके अंदर घुल जाएगा। तो इसको मिला देने के बाद आप देख सकते हैं कि इसके अंदर झाग सा बन गया है, अब इसका स्प्रे हम इसके ऊपर कर देंगे। दोस्तों ये किसी भी तरह के कीड़े मकोड़े मारने के लिए ये अच्छी दवा साबित होती है, तो ये आपको एक बार ज़रूर ट्राई करना चाहिए आपके अपने प्लांट के ऊपर, ताकि आपका प्लांट भी हेल्दी बना रहे और फ्लावरिंग भी अच्छी तरीके से हो। दोस्तों वैसे ये कीड़े मकोड़े क्या है कि फ्लावर को बड़ा होने नहीं देते हैं, उसकी ग्रोथ को वहीं पर रोक देते हैं, तब ये तो अब इसके ऊपर से इसके ऊपर मर चुके हैं, ये इसके ऊपर बने रहेंगे, लेकिन जैसे 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 प्लांट बड़ा होता जाएगा, जैसे जैसे इनके फ्लावर बड़े होते जाएंगे, तब ये ऑटोमेटिक सूख के गिर जाएंगे। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो हमें बताएँ, और अगर आपको इसके रिलेटेड और कुछ क्वारीज करनी है तो आप कमेंट में शेयर करें, कमेंट में लिखें, मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगा। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। धन्यवाद दोस्तों।